मैं भी आया इसलिए हूँ कि आप मुझे जहाँ बताएंगे यहाँ राशन की या सामग्री की कमी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं बोलूँगा। कंपाउंडर जो है वो बदल गया था, उसको मालूम नहीं था, उसने रिलीज कर दिया जैसा बताया गया। वार्डो में घुमाते रहे और आप कह रहे कंपाउंडर पे कार्रवाई करेंगे, क्या ये लॉजिकल है? अरे कंपाउंडर कार्रवाई का मैंने कहा मैंने? अच्छा कार्रवाई करेंगे नहीं? कार्रवाई का तो आप कल का अखबारों में वेट कर जो मैंने आपको इसका मतलब सीनियर डॉक्टर तो जाते ही नहीं, भाई तो आते हैं ये इसका मतलब तो यही हम कहना चाहते हैं। कोऑर्डिनेशन का बड़ा अभाव है सर, मेडिकल ये सच्चाई है कि सीनियर डॉक्टर वास्तव में नहीं जाते हैं। सब थे यहाँ पर हॉस्पिटल से, उनके लैब्स के जितने भी कर्मी हैं उनको आप ट्रेन करो, कोरोना वायरस की पहचान की ट्रेनिंग करो, ये करो, और उनके साथ संख्या बढ़ाओ, टेस्ट की संख्या बढ़ाओ। और इसके अलावा चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, इनमें भी जो लैब्स हैं गवर्नमेंट की प्राइवेट, उन सबको ट्रेन करो इसके बारे में कि कोरोना का टेस्ट कैसे किया जाता है, ताकि आने वाले वक्त में आपके पास ये नहीं है कि आपने टेक्नोक्रेसी नहीं है। और फिर जो लोग 14 दिन काम कर चुके हैं कोरोना से संबंधित, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, उनको क्वारंटाइन में भेज दो, दूसरे आदमी को बदल दो। उनकी पीपीई किट्स मैंने वहाँ जयपुर से भिजवाई हैं, कम से कम 500 पीपीई किट्स यहाँ पर आ चुकी हैं, और वो बराबर डॉक्टरों को भी सुरक्षित तरीके से वहाँ पे काम करने के लिए, हमें दवाइयों का प्रोक्योरमेंट करने के बारे में मैंने निर्देश दिए हैं। आज जो जिले के हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए विधायक कोष का पैसा जो दिया है, वो पैसा जो है वो इन सब कामों के लिए काम में आ रहा है।